everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about surveying. First of all, I would like to introduce what is surveying. Surveying is the art of determining relative position of point on, above or beneath the earth by direct or indirect measurement of distance, direction and elevation. Means surveying हमारा basically है क्या, किसी भी point को उसके पोजीशन को, उसके रिलेटिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करना. आइदर वो अर्थ के अबव है, अर्थ सरफेस के अबव है, या फिर अर्थ के बीनेथ है. और उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का यूज़ करते हैं. या तो डायरेक्ट मेजरमेंट उसका डिस्टेंस लेते हैं, एंगल लेते हैं, या फिर एलिवेशन लेते हैं. ओके, नेक्स्ट मेनली हमारा सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच आर प्री डिटरमाइंड ऑन ए पॉइंट ऑन पेपर. मतलब सर्वेइंग बेसिकली हमारा जो सर्वेइंग हुआ, किसी भी पॉइंट को जो हमारा फील्ड पे है उसको ऑन पेपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज़ को हमारा सर्वेइंग हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ सर्वेइंग. टाइप्स ऑफ सर्वेइंग मेनली हम लोग दो सर्वेइंग कंसिडर कर रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग, सेकंड जियोडेटिक सर्वेइंग. बेसिक डिफरेंस इन दोनों में बस यही है, अर्थ के कर्वेचर को नहीं लेते. और प्लेन सर्वेइंग जो मेनली हमारा रहता है स्मॉल एरिया के रहता है, और जो एरिया हमारा जो मतलब कंसिडर करते हैं वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग में कंसिडर करते हैं. जियोडेटिक सर्वेइंग हमारा जो हुआ उसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, ठीक है. और ये सुटेबल होता है लार्ज सरफेस एरिया के लिए, और उसका जो एरिया होना चाहिए ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए. ओके, सपोज आप समझने की कोशिश करो, प्लेन सर्वेइंग हमारा जो अर्थ है उसका शेप एलिप्सॉइड है, इस टाइप से होगा. तो इसमें अगर किसी भी पॉइंट को, अगर आप दो पॉइंट को कंसीडर करोगे, ये अगर उन दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस कम है, मीन्स लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं, तो ये प्लेन सर्वेइंग हो गया, ठीक है. और उसी जगह अगर आप लार्ज सरफेस एरिया कवर करोगे तो ये क्या हो गया, एक ऑटोमेटिकली आपको एक कर्व टाइप से यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. इतने छोटे से एरिया के लिए आप सरफेस को कंसीडर नहीं करोगे, कर्वेचर को, बट अगर लार्ज सरफेस एरिया लोगे तो उसके लिए आपको कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये आपका जियोडेटिक सर्वेइंग आ जाएगा. मेनली एरिया याद कर लीजिएगा 195 से छोटा होना चाहिए, और इसके केस में 195.5 किलोमीटर से बड़ा होना चाहिए. क्या है हमारा नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. सर्वे को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए, सपोज ये तीन टाइप का सर्वे ही है, लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. ओके गाइज, तो इसमें हमारा लैंड सर्वे जो मेनली है ये होता है सर्वे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. लैंड सर्वे को फिर हमने तीन कैटेगराइज किया है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे. टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी ऑफ अर्थ. अर्थ का टोपोग्राफी यानी कि उसका जियोग्राफिकल मतलब ऊपरी पार्ट, मतलब अर्थ सर्फेस जो हो गया उसको हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे करें. नेक्स्ट हमारा हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे, टू नो अबाउट प्रॉपर्टी लाइन्स इन एरिया. कैडेस्ट्रल सर्वे आर मेड इंसिडेंट टू फिक्सिंग अ प्रॉपर्टी लाइन, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया, और द ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर. दे आर ऑल्सो मेड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड ऑफ स्टेट एंड फेडरल ज्यूरिडिक्शन. मेनली हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया किसी भी फील्ड का या किसी भी एरिया का, उसके बाउंड्रीज को फिक्स करना. जैसे एक ऑनर से दूसरे ऑनर में जाएगा तो कितना एरिया उसको देना है, तो उन सब चीज़ों के सर्वे के लिए हम लोग जो सर्वे यूज़ करते हैं वो कैडेस्ट्रल सर्वे में आता है. ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया सिटी सर्वे,
टू डिफाइन डिफरेंट सर्विस इन सिटी लाइक वाटर सप्लाई, सीवर पाइपलाइन, रोड नेटवर्क. ये मतलब एक सिटी सर्वे हुआ जिसमें हम लोग को पता चलेगा वाटर कितना सप्लाई करना है या फिर रोड नेटवर्क्स कितना ये करना है. तो इस टाइप से हमें पता करना होता है, एक सिटी सर्वे करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्विंग टू नो अबाउट वाटर फीचर्स, मतलब वाटर का सर्वे, वाटर बॉडीज़ का सर्वे, डेप्थ कितना है कितना, इस टाइप से मतलब जो भी वाटर रिलेटेड सर्वे होगा वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में चला जाएगा. एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ स्टार, प्लानट्स, मून, ETC, मतलब जो भी पोजिशन अर्थ स्टार का, प्लानट का, इन सब का, तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहा गया है. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम जो करते हैं इसके पीछे का जो रीजन रहता है, एरर कम होता है, टू प्रिवेंट एरर. सपोज आपको किसी आपके घर को रिप्रेजेंट करना हो तो आप डायरेक्टली अपने घर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, सबसे पहले इंडिया का मैप बनाओगे, फिर इसके बाद उसमें आपका, सपोज आपका बिहार में घर है तो बिहार का बनाओगे, फिर उसमें आपका कुछ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे. मीन्स तो आपका हमारा आपका काम ये क्या हो रहा है, सर्वेइंग का काम क्या हो रहा है, वर्किंग फ्रॉम होल, मतलब आपने इंडिया से स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे करके पार्ट वाइज आप अपने घर तक पहुँचे. तो बेसिक प्रिंसिपल इसका वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मीनिंग यही है. नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, उसमें हमारा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट. सपोज आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी, जिसका आपको मेजरमेंट भी पता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप पॉइंट सी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस चीज़ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है सर्वेइंग. सपोज आपके पास चेन मेथड हुआ तो आप इस पॉइंट को मेजरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आप पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफसेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर आप पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का एंगल मेजरमेंट करने के थ्रू करके, यानी कि कंपास मेथड से भी आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये फोर्थ आप ट्रावर्स मेथड से भी पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग. लीनियर मेजरमेंट एंड सर्वेइंग जानने से पहले हम स्केल समझेंगे. वाट इज स्केल? स्केल इज़ द टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप जाने तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस. ओके, मतलब ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है और मैप हमारा जो भी हम लोग मैप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये मैप डिस्टेंस कितना हो रहा है, उसके हिसाब से ये हमारा स्केल रिप्रेजेंट होगा. स्केल को रिप्रेजेंट करने का सपोज आपका एग्जाम्पल ये है. स्केल सपोज आपका मैप में दिया हुआ है 1:1000. सपोज आपका ये मैप है, ये इंडिया का मैप है. जो भी हो मतलब बेसिकली ये इंडिया का मैप है. तो अगर इसका स्केल दिया हुआ 1:1000 तो यानी कि यहाँ का 1 सेंटीमीटर और 1000 इतना सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो हो गया, अगर इसको 1 सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में दिखा लो 10 मीटर आपका एक्चुअल में, अगर आपका यहाँ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, तो अगर इसको आप एक्चुअल में मेजर करोगे तो ये आपका 10 मीटर हो जाएगा. स्केल हमारा वही होता है, दोनों का यूनिट सेम हो जाता है, यहाँ भी सेंटीमीटर, जो भी यूनिट रहेगा दोनों जगह स्केलिंग के टाइम में यूनिट सेम रहेगा. एक और बात पॉइंट नोट करने वाली है, लार्ज से इसको हम लोग स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, RF. सेम वही स्केल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है तो नोट करने वाले, लार्ज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लार्जर द स्केल. सपोज यहाँ आपके एग्जाम्पल दिया हुआ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर,
इसको आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में 1/1000 दिखाओगे और ये 1000 आपका लार्जेस्ट का वैल्यू लिखोगे तो 0.001 होगा, जो बड़ा है 0.001, ऐसे करके ये आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो। स्केल आपको जैसे लीनियर स्केल, एरिया स्केल, एक वॉल्यूम स्केल भी होते हैं। लीनियर स्केल 1 सेंटीमीटर, स्केल 2 10 मीटर, एरिया अगर रहा तो बस उसको एरिया में कर देना स्क्वायर, वॉल्यूम में रहा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब स्केल 2 10 का क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर स्केल।